king. In the king of derivation of length formula, convex में, convex का मतलब देखिए, ये भी बिल्कुल, ये दो हाथ जब हम नमस्ते करते हैं, this position is known as your convex. इसी को हम ऐसे कर देंगे, वो concave हो जाएगी, convex. इसमें सबसे important चीज जो है, वहाँ जो pole होती थी, यहाँ optical center होता है, याद रखिएगा. इसमें सिर्फ ये देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ पर फाइव इमेजेस फॉर्मेशन में रियल और इन्वर्टेड होगी जो आपका राइट हैंड साइड ऑफ लेंस में बनेगी इमेज और एक इमेज फॉर्मेशन आपकी वर्चुअल होगी जो इसमें लेफ्ट में बनेगी सेम साइड में. अब आपका देखिए इसमें भी मैं बहुत ज्यादा इस साइन कन्वेंशन की वजह से मैं आपको ये फॉर्मूला फिर ड्राइव करा रहा हूं. ना देखिए ये एक लेंस है कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस में यहाँ पे इसका जो फोकस होता है बेसिकली ऑलवेज प्लस होता है एफ ये देखिए. लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दैट्स व्हाई यहाँ पे यहाँ का माइनस है. इसमें ये भी दिखाया हुआ है ये देखो माइनस एफ है ये एफ डैश टू एफ डैश ये अपन जैसे वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था यहाँ टू एफ कहते हैं उसको टू एफ ये द डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है ये अपन देखो आर. लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं यहाँ पे एक डिस्टेंस ली हुई है हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिया हुआ है आपका जो इमेज फॉर्मेशन हो रही देखिए उल्टी आपकी इन्वर्टेड ए डैश बी डैश इट इज माइनस एच ये इमेज लिखा हुआ देखिए आपका ये पूरी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है. यहां भी दिस फॉर्मूला कैन बी ड्राइव बाय टू मेथड्स वन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड एंड अनदर इज सिमिलर ट्रायंगल. अब यहां पे नाउ डेरिवेशन स्टार्ट देखिएगा ये फॉर थीटा थीटा के लिए कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से बता देता हूं देखो ये देखिएगा थीटा लुक ये देखिए ये भी आपकी प्लस एच हो जाएगी क्योंकि अरे विच इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टकराने के बाद देखो एक फोकस से होती भी जा रही है. दूसरी रे देखिएगा डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है इट विल नॉट बी डिविएटेड स्ट्रेट वे इट विल गो सीधा जाएगी जैसे वहां क्या होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती थी लेकिन वापस होती थी यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से सीधा जा रही है तो सीधा ही जाएगी ये डिविएट नहीं होगी याद रखिएगा ये वापस नहीं आएगी इट विल गो स्ट्रेट वे आपका ना देखो वेयर टू रेज आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर वहां पे देखिएगा आपका ये उल्टा आपका एरो लगाया हुआ इमेज होगी देखो ट्रिग्नोमेट्री थीटा से तो नाउ देखिएगा ये 90 डिग्री है तो नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल नाउ सी ओ एफ थीटा के लिए देखिएगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर आपका देव बेस परपेंडिकुलर आपका देव सी ओ ओवर आपका नाम देखो ओ एफ और तो आपका देखो प्लस एच अपॉन प्लस एफ तो देखिएगा ये टेन थीटा इज इक्वल टू एच ओवर एफ आ गया फर्स्ट इक्वेशन. दूसरा देखिएगा इन राइट एंगल ट्राइंगल थीटा के लिए काम कर रहे हैं याद रखिएगा ऊपर लिखा हुआ तो थीटा के लिए देखिए बी डैश ए डैश एफ बी डैश ए डैश एफ ना देखो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बे परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा देखिएगा तो नाउ दिस इज द बी डैश ए डैश ओवर ए डैश एफ हो जाएगा तो नाउ दिस इज माइनस एच डैश ओवर वी माइनस एफ वी माइनस एफ. अब देखिएगा टेन थीटा इज इक्वल टू ये देखिए माइनस माइनस से प्लस देखिए माइनस माइनस का प्लस इट विल गो अहेड एंड माइनस प्लस का माइनस इट विल गो बैक आपका नाम देखो. अब सी में आपका नाम देखो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू फॉर टेन थीटा ये देखिएगा टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बोथ द इक्वेशंस यू आर गोइंग टू बी कंपेयर सो नाउ द एच ओवर एफ इज इक्वल टू एच डैश ओवर एफ माइनस बी ये देखिएगा इसमें देखिएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड रिप्लेसमेंट हो रहा है याद रखिएगा ये एच डैश के नीचे ही आ जाएगा एच डैश ओवर एच इज इक्वल टू इट विल गो अप एफ माइनस बी ओवर एफ ये देखिएगा इज द थर्ड इक्वेशन.
b ना फॉर अल्फा। अब अल्फा एंगल्स के लिए चाहिएगा आपका नाम बड़े, जैसे थीटा के लिए था तो अल्फा के लिए देखिएगा नाम फर्स्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल बी ए ओ। देखिए बी ए ओ अल्फा के लिए जा रहे सर, ये रखिएगा पर ना, फिर वही टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस ना देखो दिस इज ए बी ओवर बी ओ और ए बी मतलब प्लस एच ओवर देखो माइनस यू। तो देखिएगा दिस इज द टेन अल्फा इज इक्वल टू प्लस एच, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है ना ओवर यू। इस द फोर्थ वन क्वेश्चन। फिर इसी के सेकंड पार्ट में आएगा इन राइट एंगल ट्राइंगल, इधर देखिएगा सर इधर ये अल्फा के लिए देखो ये आपका नाम तो बी डैश ए डैश ओ, ये देखिए बी डैश ए डैश ओ टेन अल्फा के लिए तो ना टेन अल्फा इज इक्वल टू देखिए परपेंडिकुलर और बेस ये अल्फा के लिए सीधा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा देखिएगा तो ना दिस इज द बी डैश ए डैश ओवर ए डैश ओ तो ना देखो टेन अल्फा इज इक्वल टू ना माइनस एच डैश ओवर माइनस एच डैश ओवर पूरी डिस्टेंस देखिएगा बी। अगर कहीं पे थोड़ा भी गलती होगी देखो साइन की है बता देगा कि हमने गलती कहां की है ना देखो ये कंपेयर इक्वेशन नंबर फोर एंड इक्वेशन नंबर फाइव फॉर टेन अल्फा देखिए नाउ टेन अल्फा इज इक्वल टू देखिएगा टेन अल्फा तो टेन अल्फा की वैल्यू रखिएगा देखो एच ओवर माइनस यू इज इक्वल टू माइनस एच डैश ओवर बी माइनस से माइनस का लॉस और उसके बाद आपका दोगे एच डैश ओवर एच इज इक्वल टू वी ओवर यू ये आपका देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड रिप्लेसमेंट में आपका देखिए ये हो गया। नाउ इज द सिक्स्थ इक्वेशन। अब देखिए ये एच डैश ओवर एच इस एच डैश ओवर एच को आपका नाम देखो आप कंपेयर करिएगा नाउ डी कंपेयर नाउ इक्वेशन नंबर का थर्ड एंड इक्वेशन नंबर सिक्स फॉर एच डैश ओवर एच सॉरी एच डैश ओवर एच तो देखिए एच डैश ओवर एच इज इक्वल टू देखो एच डैश ओवर एच एच डैश की वैल्यू एफ माइनस वी ओवर एफ इज इक्वल टू वो देखिए वी ओवर यू एच डैश की वैल्यू देख लीजिएगा तो नाउ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर जाएगा यू एफ माइनस यू वी इज इक्वल टू वी एफ ये देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू एफ जब प्लस प्लस का प्लस प्लस माइनस इज माइनस ये तो आपका प्लस है ही आपका नाम डिवाइडिंग both sides by u v f u v f से देखिएगा u v f इससे डिवाइड करेंगे तो देखो u f over u v f minus u v over u v f इसे करो v f over u v f u f से u f कैंसिल 1 upon v minus देखिए u v से u v 1 upon f इसे करो v f से v f कैंसिल 1 upon u तो देखो 1 upon v minus 1 upon u इसे करो 1 upon f ये देखिएगा ये ot में चला गया देखिए ot में ये उधर गया माइनस इट विल कम हियर आपका नाउ द साइन इज चेंजिंग फाइनल आपका देखो ना 1 upon f इसे करो 1 upon v minus 1 upon u दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द लेंस फॉर्मूला। जैसे मिरर वहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां लेंस इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। इसमें फाइव रियल इमेजेस होती हैं वन इज वर्टिकल तो ये बेसिकली थोड़ा सा कोई बताए नहीं बताए इसमें भी मुझे नहीं जाना है लेकिन टेंथ के बच्चे को ये लेंस का फॉर्मूला भी आना चाहिए साइन कन्वेंशन के हिसाब से कि आपका कैसे 1/f = 1/v - 1/u इज इट क्लियर सर प्लीज। अगर हम इसको सिंगल ट्रायंगल से करेंगे